हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मैं आप लोगों से संजय झील जो गवर्नमेंट नर्सरी है वो शेयर करूंगी। और ये जो परपनगंज के बस स्टैंड है उधर से रास्ता है, अंदर जाइएगा तो जहाँ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट वगैरह है, जहाँ लोग एक्सरसाइज करता है उसी के बगल में है। ऐसे ये मयूर विहार फेज़ 2 से भी रास्ता है, नीलम माता मंदिर से थोड़ा सा और इधर आगे आइएगा। तो किसी से भी पूछिएगा कि ये गवर्नमेंट नर्सरी कहाँ है तो कोई बता देगा। तो मैं तो पपरगंज जो बस स्टैंड है उसके अंदर जो वहीं से रास्ता जाता है अंदर पार्क के साइड में, वहाँ से अंदर घुसते ही थोड़ा दूर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ बहुत काम करने वाले रहते हैं, उनसे पूछिएगा गवर्नमेंट नर्सरी किधर है। ऐसे मैं फ़ोन नंबर दे दूँगी तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और इनके यहाँ का जो कंपोस्ट है काफ़ी फाइन मिलता है और काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे लीव कंपोस्ट तो बहुत सस्ता है और ऐसे पैकेटों में बनाए रखते हैं। और तो मैं अक्सर उधर हमेशा जाती ही रहती हूँ। तो देख, बहुत लोग मुझसे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि गवर्नमेंट नर्सरी शेयर कीजिएगा, तो जाते मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था, लेकिन इधर कुछ विंटर उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं। और क्या क्या लगाए हैं, उसकी क्या प्राइस है, मैं आप लोगों से एक एक करके इस वीडियो में शेयर करूंगी और लास्ट में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं। तो गवर्नमेंट नर्सरी में तो ज़्यादातर यहां के लोग गायब ही रहते हैं, बहुत कम ही दिखते हैं। और अगर आपको जाना है तो 10 बजे के बाद ही जाइए, 11 के करीब में जाइए और 12 के पहले जाइए, क्योंकि खाना का लंच टाइम भी हो जाता है और टाइमिंग तो 5 बजे तक है, लेकिन आप यहाँ तीन बजे से पहले ही जाइए, 3 बजे तक जाइए, नहीं तो ये निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट नर्सरी की यही हाल है वहाँ के स्टाफ की कि बहुत कम ही रहते हैं। और एक लेडीज वहाँ रहती है जो उनको कुछ दाम पता है, कुछ दाम पता भी नहीं है। और इधर इन्होंने जो ये डहेलिया की इन्होंने कुछ ऐसे पॉट में लगा रखी है, डहेलिया है, कैनेंडुला है, तो डहेलिया जो पॉट में है वो आप वहाँ से 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, 50-60 बता रही थी। और ये जो पॉली बैग में है, पॉली बैग वाले सारे प्लांट काफ़ी हेल्दी है, जो कि आप वहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। डहेलिया अभी ले जा सकते हैं आप, काफ़ी मात्रा में इनके यहाँ डहेलिया लगी हुई है। और ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत विंटर में ही इसकी फ्लावरिंग होती है। ये मिर्ची स्लिपिंग हिबिस्कस है, मिर्ची गुलहर है, पॉट में लगा हुआ है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट नर्सरियों में पॉट में ही लगा हुआ मिलेगा आपको प्लांट। और इधर आपको मिल जाएगा कैनेंडुला है, ये भी आप 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। मैरी गोल्ड भी यहाँ 20 रुपीज़ में है। तो कैनेंडुला देखिए, ये कॉस्मस कॉस्कम तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। और इधर आप अपराजिता ले जा सकते हैं, वाइट है और ब्लू कलर में है, सिंगल पेटल है और ये 20 रुपीज़ में है। और ये सारे तो मैरी गोल्ड ही हैं जो कि आप 20-20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है मैरी गोल्ड की। तो ज़्यादातर ये डबल पेटल वाला भी है मैरी गोल्ड, आप यहाँ से ऑरेंज और थोड़ा येलो कलर में ले जा सकते हैं। तो इस बार उन्होंने ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं रखा है, ये देखिए 30-30 रुपीज़ में ये आप ले जा सकते हैं। ये यूफोरिया मिली है और ये रेड कलर में है, रेड है और ये देखिए ये येलो कलर में है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, अच्छा प्लांट है। और इधर ये भी ये ड्रेसिना की वेराइटी है। और इधर ही ना मुझे अजवाइन प्लांट दिख गया, काफ़ी हेल्दी प्लांट था और पत्तियाँ बहुत फ्रेश थी और ये 40 रुपीज़ बता रही थी पॉली बैग में। तो ये अजवाइन का प्लांट ज़रूर लगाइएगा, ये हर्बल प्लांट है और शुगर वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं तो इधर से वॉक करते हुए जा रही थी तो बच्चे भी मेरे साथ थे, तो मैं बोली एक बार आप लोगों के लिए वीडियो शेयर कर देती हूँ। इधर ठंड में पार्क भी नहीं जा रही हूँ। और ये मोर पंखी आपको पॉट में लगा हुआ मिल जाएगा। और इधर यही यूफोरिया मिली है जो 100 रुपीज़ बता रही थी,
और आप यहाँ से ये स्पाइडर प्लांट भी ले जा सकते हैं। एक तो प्लेन वाला है, ग्रीन वाला है, पॉट में भी है, और ये आपको पॉली बैग में भी मिल जाएगा। इधर पर्पल हार्ट है, ये भी आपको पॉट में ही लगा हुआ मिलेगा। कोलियस पॉली बैग और पॉट दोनों में ले जा सकते हैं। कोलियस जो पॉट पॉली बैग में, वो आपको 20-20 रुपीज़ में मिल जाएगा। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इन्होंने पर्पल हार्ट स्पाइडर प्लांट लगा रखा है, जो नारियल के सूखे हुए छिलके होते हैं। और ये तो विंटर का ज़्यादा प्लांट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस कैनेडुला, मैरीगोल्ड और डहेलिया वगैरह आपको मिल जाएगा, और गुलदाब्दी की कुछ मिल जाएगी वेराइटी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, ऐसे थैलियों मिलेगा। 70 रुपीज़ 5 kg, यानी 14 रुपये ऐसे पड़ेगा, 14.5 के करीब में पड़ेगा ये। और बहुत अच्छा खाद है ये, बहुत फाइन खाद है। और लीप कंपोस्ट भी ले जा सकते हैं, वो 5 रुपीज़ kg आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मैं भी लेके आई थी। तो ये ज़्यादा कुछ वहाँ कलेक्शन नहीं है, परमानेंट प्लांट की तो हालत अभी ख़राब है। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये फ़ोन नंबर तो मैं दूसरा दे दूँगी, आप उससे बात कर सकते, तो दूसरा फ़ोन नंबर मैं दे दूँगी स्क्रीन पर, उससे आप बात कर सकते हैं। शहनवाज नाम है उनका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका फ़ोन नंबर दे दूँगी। तो आप पपरगंज के जो बस स्टैंड है, वहाँ से अंदर पार्क जाने का रास्ता है, वहाँ से अंदर जाइएगा। बहुत थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, जहाँ एक्सरसाइज करने का पूरा इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसी के बगल में है। अंदर जाते हुए बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, पूछ लीजिएगा कि गवर्नमेंट नर्सरी किधर से है। ऐसे मयूर विहार फेस 2 से, नीलम माता मंदिर से अपोजिट साइड आइएगा, तो आपको ये नर्सरी मिल जाएगी। ज़्यादातर पर्पजगंज वाला जो बस स्टैंड है, वहाँ से जो अंदर जाता है रास्ता, वो इजी पड़ता है, मैं उधर से ही जाती हूँ। और फ़ोन नंबर से मैं दी हूँ, उससे आप एड्रेस पूछ लीजिएगा। वैसे कोई खास कलेक्शन था नहीं वहाँ, तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।